आज हम आए हैं जलजली यानी उछलती ज़मीन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और ये जो जलजली या उछलती ज़मीन ये पर्यटन स्थल है, ये मैनपॉट में स्थित है। मैनपॉट छत्तीसगढ़ की एक खूबसूरत जगह है, जिसे यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, या फिर इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तिब्बत के लोगों को बसाया गया था। अगर हम बात करें कि ये जगह कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है स्थित है सरगुजा ज़िले में। सरगुजा छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है, जिसका जिला मुख्यालय है अंबिकापुर में। और यहाँ अगर आपको जाना है तो यहाँ का जिला मुख्यालय है अंबिकापुर, वहाँ से 75 किलोमीटर की दूरी पर ये मैनपॉट स्थित है। किसी ज़माने में जब चीन के अतिक्रमण से परेशान होकर तिब्बती लोग भारत की तरफ आए थे, तो तिब्बत के बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। ये जो जगह है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है, और ये एक पठार है। तो आइए चलते हैं इसके टूर पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये जो है यहाँ पे अब हम जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्विकसैंड कंडीशन है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग या सॉयल इंजीनियरिंग के बात उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो क्विकसैंड का मतलब क्या होता है कि जो दलदली ज़मीन हो जाती है तो उसका शियर स्ट्रेस जीरो होता है, और उसकी वजह से उस पर अगर आप कूदते हैं तो वो आप उछलने लगते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर कभी झील रहा करी रही होगी या फिर कोई नदी रही होगी, उसकी वजह से झील या नदी तो सूख गई, लेकिन जो उसके ऊपर की ज़मीन है वो ज़मीन दलदली रह गई। और अभी ये यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़मीन पूरी उछलती है। ये जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत है, और चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, और ये प्लेटू है, जैसा मैंने बताया पठार है, ऊपर का इलाका है विंध्य पर्वत के। तो ये देखिए आप इस पे कैसे लोग कूद रहे हैं, और ये आप अपने आप उछल रहे हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो मैंने बताया कि क्विकसैंड कंडीशन या फिर दलदली ज़मीन है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, बेहद ही खूबसूरत जगह है ये। और ये न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका अपना भौगोलिक और पर्यावरणीय महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है। इस मैनपॉट के इलाके की जो इकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और प्राकृतिक रूप से संरक्षित है, और यहाँ पे बहुत सारे ढेरों जीव जंतु रहते हैं। तो ये थी जलजली की रिपोर्टिंग, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।